Welcome back to your maths class. So my dear student, in the online classes, lots of you have been asking about ki ma'am, please explain topic simplification once again. So here I'm going to explain the topic simplification. I'm going to explain, and it is let me write the topic name. So the topic name is simplification. नॉर्मली जब हमारे पास क्वेश्चन होता है तो वॉट डू वी डू, वी वन और टू ऑपरेशन होते हैं, बट वॉट विल हैपन इफ मैथ्स के फोर बेसिक ऑपरेशन एक ही सम में हमें मिले. अगर मैथ्स के फोर बेसिक ऑपरेशन एक ही सम में मिलेंगे तो वॉट वी विल डू, तो उस टॉपिक के लिए वी डू सिंप्लीफिकेशन, राइट? ओके, नाउ क्लास, सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहली बात क्या है आपको समझना क्या होगा कि देखो, सबसे पहला स्टेप डिवीजन इज परफॉर्म्ड फर्स्ट. डिवीजन इज परफॉर्म्ड फर्स्ट followed by multiplication. After division we do multiplication. After division what do we do? We do followed by multiplication. Okay. Next, third is what? Addition. Addition comes next. Addition के बाद next is what? Subtraction. And subtraction what? Subtraction comes last. देखो, सो अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लूँ और वो क्वेश्चन हो 60 + 12 / 4 / 5 - 2. अगर मैंने ये क्वेश्चन ले लिया, ठीक है, 60 + 12 / 4 / 5 - 2. If I have taken this question, then it means that कि मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, जैसा कि यहाँ पे हमने लिखा कि we have to do the division first. सबसे पहले what we will do? We will divide. सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम divide करेंगे. After division, what do we do? After division, we will do multiplication. Division के बाद next step is what? Next step is multiplication. And after multiplication, next is addition. Multiplication के बाद जो अगला step होगा हमारा वो क्या है बेटा? Multiplication के बाद next step is addition. Addition and after addition, the final one is the subtraction. तो सबसे पहले what do we do? We will solve the division part, then we will move toward multiplication, then the addition, finally the subtraction. ठीक है, तो इसको हम और क्या बोलते हैं? इसको हम बोल सकते हैं DMAS, मतलब division, multiplication, addition and subtraction. And to learn it, इसको याद रखने के लिए हम इसको कैसे बोल सकते हैं? We can call dear mother and sister.
क्वेश्चन राइट. डियर मदर एंड सिस्टर, सो दिस इज व्हाट डियर मदर एंड सिस्टर. डियर मदर एंड सिस्टर क्या है, ये है इसको लर्न करने की एक ट्रिक. डियर मदर एंड सिस्टर इसे लर्न करने की क्या है, एक ट्रिक है जहाँ पे हम क्या करते हैं इस तरह से इसे लर्न कर सकते हैं. तो सबसे पहले डिवीजन करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. सो इट इज डी एम ए एस, डियर मदर एंड सिस्टर. ओके, सो वी हैव डन अप टू हियर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. अभी व्हाट वी विल डू, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट विल हैपन इफ एनी वन ऑफ द ऑपरेटर इज मिसिंग. व्हाट इफ अगर मल्टीप्लाई नहीं है, व्हाट इफ अगर यहाँ पे क्वेश्चन था बट यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं था. अगर ऐसा होता है तो हम डिवीजन के बाद क्या करेंगे, ऐड करेंगे. ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई नहीं होगा तो अब हम फॉलो नहीं करेंगे. डिवीजन के बाद हम क्या करेंगे, डिवीजन नहीं रहेगा. अगर सपोज करो मल्टीप्लीकेशन नहीं है तो फिर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करके क्वेश्चन को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे. ओके, तो अभी यहाँ पे हमने इतनी बात की. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड द क्वेश्चन पार्ट. ठीक है, किसकी तरफ, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. ओके, सो द आई एम गोइंग टू टेक द सेम क्वेश्चन 16+12. क्वेश्चन नंबर वन, यू ऑल्सो हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन इन योर कॉपी. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, 16+12 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 2. डिवाइड करेंगे 16+, अब देखो 4 को 12 को 4 से डिवाइड करना है. तो नाउ 4 के टेबल में 12 कितनी बार में आएगा, एंड हाउ मेनी टाइम्स वी विल गेट 12 इन द टेबल ऑफ 4. सो 4 3s आर हियर, वी विल राइट 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस 2. अब क्या है, डिवीजन पार्ट इज ओवर. नेक्स्ट व्हाट वी विल डू आफ्टर डिवीजन, व्हाट वी विल डू वी विल मूव टू विद द मल्टीप्लीकेशन पार्ट. नेक्स्ट इज वॉट, मल्टीप्लीकेशन पार्ट. ठीक है, 16+5 3s are 15 - 2. ओके, नाउ अभी क्या करेंगे, वी विल एड दीज टू नंबर. चलो एड करो, फाइंड आउट द आंसर. एड इट, we'll get 31 - 2 = 29. Answer is what? Answer is 29. Okay, so here we have solved this question. Now let us move toward the next part. Okay. Now I'm going to erase the board so that we can move toward the next part. ये क्या है, हमारा क्वेश्चन है. ओके, नाउ अभी देखो 20+16/2 ना ही मल्टीप्लीकेशन है ना ही माइनस है, बट स्टिल व्हाट वी विल डू, वी विल फॉलो द प्रोसेस. दैट मींस सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिवाइड. ठीक है, तो 20 प्लस, अब इन दोनों का डिवीजन, 2 के टेबल में 16 हम कितने बार में हमें मिलेगा, 2 के टेबल में 16 वी विल गेट इट इन 8 टाइम्स.
नाउ आंसर इज 28, राइट? आंसर इज व्हाट? 28 इज द आंसर. चलो मूव अहेड. Okay, now moving toward the third question. Third question की तरफ चलते हैं. Don't forget that you also have to do all this question in your copy only. 28 minus 16 divided by 4. 28 minus 16 divided by 4. ऑलमोस्ट क्या है? सेम क्वेश्चन है. ओनली डिफरेंस इज दैट कि यहाँ पे प्लस था, इधर आके क्या हो गया है? माइनस. वन साइड इट वॉज प्लस एंड द अदर साइड वो क्या हो गया है? ये हो गया है माइनस. चलो करो. Now, 28 again. 4 की टेबल में 16 वी विल गेट 8 टाइम्स, राइट? नाउ 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 4 टाइम्स. 4 टाइम्स. नाउ 28 माइनस 4 वी विल गेट 24 एज अवर आंसर. 24 इज अवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, है ना? वी हैव गॉट 24. Divided by 3 minus 2. 18 divided by 3 minus 2. Chalo, let's solve this one also. 18 divided by 3 minus 2. Okay. Now 3 ke table mein 18 we will get 6 times. Minus 2. 6 minus 2, what we will get? 6 minus 2, 4. ठीक है, तो ये क्या है? कुछ बहुत ही बेसिक सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे कर रहे हैं. नाउ विल डू वन मोर क्वेश्चन. Divided by 4 plus 3. Now solve this question yourself. 12 divided by 4 plus 3. Thank you.
फोर थ्री जा 12 थ्री टाइम्स में, राइट? या वी विल राइट 3 + 3, 3 + 3, 6 Now, 1 upon 2 multiply 1 upon 3 plus 1 upon 4. 1 upon 2 multiply 1 upon 3 plus 1 upon 4. अच्छा, अब यहाँ पे चेंज क्या है? यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो कैसे हैं? फ्रैक्शनल फॉर्म में है. क्वेश्चन जो कि यहाँ पे है वो किस में है? द क्वेश्चन दे आर गिवन इन फ्रैक्शनल फॉर्म. सो व्हाट वी विल डू इफ द क्वेश्चन हियर आर इन फ्रैक्शनल फॉर्म, क्या करेंगे हम? इसको पहले सॉल्व करेंगे. वी विल सॉल्व दिस वन फर्स्ट. सो वन कोई नंबर किसी से सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, सो वन वन जा वन, थ्री टू जा सिक्स. नाउ नेक्स्ट इज वन अपॉन फोर. नाउ एड answer for this question, right? Chalo, chalo. Solve this question, then we will take one more question. Okay. So, I'm going to erase the board now. ब्रैकेट बेस्ड जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन होते हैं, ऑल्दो मैंने ऑनलाइन क्लास में रिवाइज कराया है, वो करेंगे. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग फॉर योर एनुअल एग्जामिनेशन एंड मैम विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास.